हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग वर्ल्ड जोन। तो गाइस, आज हम खेलने वाले एक नया गेम प्ले जिसका नाम है सिटी आइसलैंड 5। तो गाइस, हमने लास्ट टाइम गेम खेला था और हम इसमें अपना सिटी क्रिएट कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था इस गेम के बारे में कि हमारे पास बहुत सारी वर्ल्ड्स हैं जिनको हमें क्रिएट करना है। तो हमारे पास फिल वक्त एक ही वर्ल्ड था जिसपे हमने क्रिएट करना था सिटी, तो हम उसमें अच्छा खासा काम कर चुके थे, तो अब हम आगे काम करेंगे। तो चलें, अब स्टार्ट करते हैं। और हमने स्टार्ट कर दिया। तो देखें गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो सिटी बिल्ड किया था उसमें मैंने सिर्फ सोसाइटी क्रिएट की थी, रेजिडेंशियल। तो अब देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत सोसाइटी बनाई है मैंने। ये देखें, हाउस देखें आप कितने प्यारे हैं, और रोड देखें आप, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ट्रीज लगे हुए हैं। एक खूबसूरत सी मैंने रेजिडेंशियल सोसाइटी रेडी की है। तो हम वापस आते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें कमर्शियल बनाना है। तो कमर्शियल में हमने दो बिल्डिंग्स बनाई थी जो कि एक बेकरी थी और एक कैफ़े था। तो उसके अलावा एक हमने बनाया था एक्वेरियम और साथ में एक हमने वाटर फिल्टर। तो अब हम आगे करते हैं। पहले हम जाते हैं इन्वेंट्री में कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो चुका है। हाउसेस हमें बनाने नहीं है, तो हम सिर्फ अब कमर्शियल बनाएंगे। तो कमर्शियल में देखिए, हमारे पास शॉपिंग मॉल भी है, तो शॉपिंग मॉल ऑब्वियसली, तो हम एक शॉपिंग मॉल को लेते हैं और हम इसको एक अच्छी जगह पर पुट करते हैं जहाँ पर हमारा शॉपिंग मॉल बहुत अच्छा लगे। तो मेरे लिहाज से जगह मुझे सबसे अच्छी लग रही है शॉपिंग मॉल के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। ये मेरा शॉपिंग मॉल लग गया। अब फिर और कमर्शियल देखते हैं कि क्या क्या हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास अभी अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे अभी इस वर्ल्ड के हिसाब से लगाना पड़ेगा। देखिए, ये सुपरमार्केट है, तो सुपरमार्केट भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम एक काम करते हैं, सुपरमार्केट इसके ही बराबर में लगा देते हैं और ये हमारी सुपरमार्केट भी हो गई। चलिए, अगला देखते हैं। सुपरमार्केट भी लगा चुके हैं और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, बर्गर रेस्टोरेंट, तो ये तो हमें मस्ट चाहिए ही चाहिए क्योंकि कमर्शियल है। तो कमर्शियल के लिए बर्गर रेस्टोरेंट ना हो तो लोग आउटिंग के लिए जाएंगे किधर। तो मैंने ये इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब ये कह रहा है कि रोड क्रिएट करें यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, कि इधर भी मैं रोड बना देता हूँ ताकि मसला ना हो। ये देखिए, ये रोड मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और फिर आगे जाते हैं और क्या है हमारे पास, बलून शॉप है, हैंडी स्टोर है। खैर, ये तो बाद की चीज़ें हैं, बार हो गया। तो हम एक बार भी लगा देते हैं यहाँ पे, तो हम बार बनाएंगे दूर रेजिडेंशियल एरिया से। तो बार हम यहाँ लगा देते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत है जगह। तो यहाँ पे मैंने बार लगा दिया, सही है, शॉपिंग मॉल में लगा चुका हूँ। तो आगे जाता हूँ मैं, तो गैस स्टेशन मस्ट, ये तो मस्ट होता है गैस स्टेशन, क्योंकि सिटी क्रिएट कर रहे हैं तो गैस स्टेशन नहीं होगा तो लोग पेट्रोल कैसे भरवाएंगे। तो मैं एक गैस स्टेशन अटैच करता हूँ यहाँ पे, ये जगह ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। तो मैं इधर गैस स्टेशन यहाँ लगा देता हूँ, एक गैस स्टेशन यहाँ मैं लगाता हूँ और एक और जगह मैं गैस स्टेशन अटैच कर देता हूँ। कहाँ पे, शॉपिंग मॉल के बिल्कुल बराबर में। ये मैंने गैस स्टेशन लगा दिया। अभी मैं सिर्फ बिल्डिंग्स पुट कर रहा हूँ, डेकोरेशन अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो बाकी चीज़ें हमारे पास बंद हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो लेवल के हिसाब से खुलेंगी। तो अभी तो फिलहाल हमें और मज़ीद खेलना पड़ेगा। तो हम, अच्छा,
थोड़े से अपार्टमेंट भी होने चाहिए मेरे ख्याल में। तो हम अपार्टमेंट्स देखते हैं या स्काई बिल्डिंग्स देखते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं अपने सिटी को बिल्ड करने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि लेवल पे तो खैर बंद है, तो अपार्टमेंट हैं लेकिन हमारे लेवल नहीं हुए हुए इतने, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम अभी अपार्टमेंट को रहने देते हैं। तो अब हम डेकोरेशन करते हैं। तो गाइस ये देखें, हमने डेकोरेशन कर दी है अपने सिटी की, जो जो हमने चीज़ें बनाई थी कमर्शियल की भी। देखें आप यहाँ पे, मैंने अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देखें गैस स्टेशन, और ये आ गया फोन बूथ, एटीएम, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, यहाँ पे मैंने लगाया एटीएम, यहाँ बस स्टैंड, फोन बूथ, बस यहाँ पे एटीएम और फोन बूथ, ये गैस स्टेशन। तो अब हम और चीज़ें डालेंगे इधर, जैसे कमर्शियल पे देखें जाए तो हमें बहुत सी चीज़ों की अभी नीड पड़ेगी। तो देखें आप कितना खूबसूरत सिटी बन गया है हमारा, एक अच्छा सा खूबसूरत सा सिटी तैयार हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि हम और क्या क्या इसमें लगा सकते हैं। तो अब हम ज़रा हैप्पीनेस की चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन बना देता हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन की बहुत नीड होती है। तो मैं यहाँ पुलिस स्टेशन यहाँ मैंने लगा दिया, ये देखें पुलिस स्टेशन मैंने यहाँ बना दिया। और उसके बाद आगे देखते हैं हम और क्या क्या लगा सकते हैं। म्यूज़ियम है, यूनिवर्सिटी है, तो हमें यूनिवर्सिटी भी चाहिए ही, क्योंकि सिटी है तो मैं यूनिवर्सिटी एक काम करता हूँ कि टाउन के पास ही बनाता हूँ, लाइक यहाँ से ये चेक, ये हमारी यूनिवर्सिटी हो गई। और देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो अभी तो फिलहाल वक्त यही चीज़ें हैं, तो हमें लेवल अप करने होंगे। तो आगे देखते हैं, हम कमर्शियल पे फिर से जाते हैं और हम और चीज़ों को देखते हैं, फोकस करते हैं कि हम और क्या क्या बना सकते हैं इधर। तो हम अच्छी खासी चीज़ें बना चुके हैं। अब हमें एक होटल बनाना है, तो होटल ये बेहतर है। तो हम एक रेस्टोरेंट होटल यानी कि रेजिडेंशियल होटल बनाएंगे, जो कि यहाँ बेहतर है। यहाँ लगा दिया हमने। आप चाहें तो अपने हिसाब से जगहें भी तब्दील कर सकते हैं जब आप सारी चीज़ें फुट कर दें। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं। तो पहले कम्युनिटी पे ही आता हूँ मैं वापस। अच्छा, हॉस्पिटल तो चाहिए हमें, तो हम एक हॉस्पिटल भी बनाते हैं खूबसूरत सा बढ़िया सा। तो हॉस्पिटल की प्लेस मैं कहाँ लगाऊँ हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल को मैं बना देता हूँ, हॉस्पिटल यहाँ बेहतर है। ये मैंने हॉस्पिटल बिल्ड कर दिया। आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है जो हम सिटी में लगा सकते हैं। तो और अगर हम कमर्शियल देखें, तो कमर्शियल में हम अच्छी खासी कमर्शियल बिल्डिंग्स लगा चुके हैं। तो हम अभी इधर ही काम करते हैं हैप्पीनेस से। तो यूनिवर्सिटी भी हम कर चुके हैं, म्यूज़ियम वो देखते हैं हम। अच्छा, अब हम थोड़ा लोगों के लिए घूमने फिरने के हवाले से कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे सिटी हॉल। तो सिटी हॉल हम यहाँ पुट करते हैं, ये सिटी हॉल लगा दिया मैंने। फेयरवेल, तो मैं ये यहाँ पुट कर देता हूँ। और उसके अलावा
बर्ड सीनरी जो के एक पूरा खूबसूरत पैकेज तैयार है। गाइस देखें, हमने डेकोरेशन कर दी है, कितने खूबसूरत हो गया ये देखें आप। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हमारा हॉस्पिटल देखें आप, इतना खूबसूरत हो गया है। ये हमारा होटल देखें आप, और साथ में देखें आप खूबसूरत सा हमने तैयार कर दिया है। अब हम थोड़ा इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ भी हम बहुत कुछ डेकोरेट कर सकते हैं जो वाटर से रिलेटेड हो। जैसे हम स्पा लगा सकते हैं यहाँ पे, तो स्पा लगाने के लिए ये जगह अच्छी है। उसके अलावा हम और कुछ देख सकते हैं जो, जैसे ये देखें रेंटल चैट इसका है, तो इसको भी हम कहीं लगा सकते हैं। जैसे हमने इसको लगा दिया है, इसी तरह ये भी हम इसके बिल्कुल बराबर में लगा देंगे। और देखते हैं हम और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो सिटी है तो मरीन भी लगा सकते हैं हम, जैसे ये यहाँ पर लगा दिया मैंने। उसके अलावा एक पिकनिक पॉइंट के तहत एक खूबसूरत सा इसको भी यूज कर सकते हैं, और साथ में एक यॉच भी हम लगा सकते हैं जो कि है, मैं यहाँ लगाऊंगा, यह मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, तो इसको मैंने इधर लगा दिया। फिर आगे चलते हैं, अगर हैप्पीनेस पे आए तो हैप्पीनेस पे हमने एक्वेरियम लगाया था, प्योरिफिकेशन लगाया था, सबमरीन लगाई थी। और अगर हम इन्वेंट्री में देखें, हमारे पास इन्वेंट्री भी होती है, तो हम एक वाटर पार्क भी बिल्ड कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। ये मैंने वाटर पार्क लगा दिया है, ये हमारा लेवल अप हो गया। चलें अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक होटल भी है, तो इसको भी हम फिट कहीं लगा लेते हैं, जरा एक खूबसूरत सा वो लगे। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, ये देखें ये हमारा चैट इसका है, ये टारवा, ये सी होटल, ये भी सी होटल, ये यॉच, ये हमारा मरीन, ऊपर आते हैं तो ये वाटर पार्क, और ये हमारा स्पा। तो देखें कितना हसीन लग रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस सिटी को और मज़ीद बिल्ड करेंगे, और उसके बाद हमारी और भी वर्ल्ड हैं जिनको हमें बिल्ड करना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।